हालेलुया। इस सिस्टर का नाम अमनजीत कौर है और ये अटारी बॉर्डर के रहने वाले हैं और इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है। जिस सिस्टर की गवाही जे बता रही कि जे 6 साल से प्रभु पर विश्वास कर रहे थे और इनके घर में संगति होती थी और भी लोग इनके घर में आते थे और जे बताते कि पास्टर जी भी इनके घर में जब संगति करने आते थे और जे भी सिस्टर वहाँ ही संगति अटेंड करते थे। और जिस सिस्टर ने बताया कि जे प्रेग्नेंट थे और प्रेगनेंसी के दौरान कुछ समय बाद ही इनके पेट में दर्द शुरू हो गई और जी पहले मेडिसिन खा रहे थे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर जी सिस्टर ने बताया कि जब इन्होंने चौथे महीने में इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जो आपके जूटरस आपके बच्चेदानी के मुँह के आगे पल्सांटा यानी कि ऑल आ गई है जिसके कारण जो प्रॉब्लम आ रही है जो कि इनके पेट में दर्द थी और कभी कभी इनको ब्लीडिंग भी हो जाती थी और जिसके कारण जो बहुत परेशान हो चुके थे और डॉक्टर ने कहा था कि इस प्रॉब्लम के कारण जो कि जब आपकी डिलीवरी होगी तो नॉर्मल नहीं हो सकेगी ऑपरेट होगा क्योंकि बच्चेदानी के मुंह के आगे ऑल है और जिसके कारण इसका डर भी जो फट भी सकती है और जो काफ़ी डर गए थे। पहले हम उस रिपोर्ट्स को देखेंगे जिसमें जो प्रॉब्लम आई थी। और ये इनकी फर्स्ट रिपोर्ट है जिसमें डॉक्टर ने बताया था कि आपके ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने कहा था कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ क्योंकि इनके पेट की दर्द रुक नहीं रही थी और जैसे बीच बीच में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती थी। तो जो सिस्टर ने बताया कि जो हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हुए। फिर इन्होंने बताया कि जी इन्होंने एक प्राइवेट नर्स के साथ बात की, उसको अपने जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई तो उसने इनको कहा कि आप 3 महीने देसी मेडिसन है वो खाओ, उससे 3 महीने तक जो प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। और जैसे जो सिस्टर ने वो मेडिसन लेकर आ गए और जो अपने मायके में वो मेडिसन लेकर आ गए थे और फिर जो सिस्टर ने अपनी भाभी को सब कुछ बताया कि ऐसे जो प्रॉब्लम आ गई है और मुझे नर्स ने 3 महीने तक कहा है कि जो मेडिसन खानी है फिर जो प्रॉब्लम है वो अच्छी हो जाएगी। और इनकी भाभी ने इनको कहा कि तुझे विश्वास नहीं है, प्रभु तुम्हारे लिए सब कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर तो बड़े बड़े काम करते हैं। क्योंकि जो सिस्टर 6 साल से विश्वास कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि मैं 6 साल से विश्वास तो कर रही हूँ पर मेरा मन नहीं लगता, जब भी मैं चर्च में बैठती हूँ जब पास्टर जी जब भी गाइड करते टीच करते तो मुझे समझ नहीं आता, वचन कुछ भी समझ नहीं आता, ना ही मेरा मन करता है ना मन लगता है, तो इसलिए इसका विश्वास नहीं था ना ही तो बन रहा था। और जैसे इनकी भाभी जो है वो यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आ रहे थे और इन्होंने इनकी भाभी ने इनको बताया कि देखो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, जो परमेश्वर के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम विश्वास करो अपने मन को अच्छा करो परमेश्वर तुझे इस प्रॉब्लम से फ्री करेंगे। और जैसे इनकी भाभी यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में इनको लेकर आए और इन्होंने पर्सनल मीटिंग की प्रभु के दास के साथ और जैसे ही प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया टीच किया कि कैसे परमेश्वर की सच्चाई है परमेश्वर के साथ कैसे विश्वास करना है जो परमेश्वर का नियम है और परमेश्वर की सच्चाई को बताया तो जो सिस्टर का मन अच्छा हुआ जो इनको समझ नहीं आती थी पहले तो इनको अच्छा लगा। और फिर जो सिस्टर ने बताया कि जैसे इन्होंने पर्सनल मीटिंग के बाद जो लगातार हर संडे हर थर्सडे की मीटिंग में आते रहे और इनका विश्वास बढ़ता गया, जैसे हम सब पॉजिटिव विश्वास सुनते हैं और जब भी इन्होंने बहुत बड़ी गवाहियों को भी जो सुनते रहे हर मीटिंग में तो इनका विश्वास बनता रहे और जो धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर आप मेरी इस प्रॉब्लम से मुझे भी अच्छा कर चुके हो। तो जैसे जो सिस्टर ने भी जब इनका विश्वास बन गया और इन्होंने 17 जुलाई के दिन फॉर्म फिल कराया और जैसे इनके लिए ले हैंड हुई, अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। इसकी प्रेगनेंसी को 5 महीने हुए और इसकी बच्ची दानी के मुंह में के आगे जो डॉक्टरों ने बोला कहा कि ऑल है जिसके कारण इनको दर्द रहती है और ये बेबी बॉय की ब्लेसिंग चाहते हैं।
खुदा वो सारी बच्चेदानी के मुंह पर जो ऑल है, अंधकार की, पाप की ऑल, यीशु तेरे नाम से चढ़ से उखड़े आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। और यस करो, सारी ऑल खत्म हो, सारी ऑल खत्म हो। और ये जो बेबी बॉय की ब्लेसिंग चाहती है उसके जीवन में आए। तो जैसे इनके लिए ले हैंड हो गई, उसके बाद फिर से इन्होंने पर्सनल मीटिंग की और भी इनको सिखाया गया और इनका बहुत मन बन गया और हर एक विषय के बारे में इनको समझ आ गई कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। पहले तो जो 6 साल से विश्वास कर रहे थे पर इनको कुछ भी नहीं था पता कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करते। पर जैसे जो धन्यवाद में बने रहे, हर थर्सडे संडे की मीटिंग में आते रहे, तो पहले इन्होंने जैसे 4th मंथ में इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया था और फिर इन्होंने अभी 5वां मंथ इन्होंने इनको लगाए, तो इन्होंने जैसे अभी अल्ट्रासाउंड करवाया है अभी हम उस रिपोर्ट्स को देखेंगे। और ये इस सिस्टर की नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं जो कि डॉक्टर ने कहा था कि आपकी बच्चेदानी के मुंह के आगे ऑल की प्रॉब्लम है और जिसके कारण इनको कुछ भी काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। और जैसे इन्होंने विश्वास किया, ले एंड हुई, तो आज 1 महीने से पहले ही परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। क्योंकि डॉक्टर जो नर्स थी उसने कहा था कि आप 3 महीने मेडिसिन खाओ फिर ये प्रॉब्लम अच्छी होगी, पर परमेश्वर ने आज इस प्रॉब्लम से इस बहन को पूरी तरह से आज़ाद किया। जैसे इन्होंने विश्वास किया, सच्चाई को समझा और सच में आज इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर इनको हील किया है। और ये परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं और हमसे इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे क्लीसिया। यीशु जी तेरा पल्ला शुके चंगी हो गईया, यीशु जी तेरा पल्ला शुके चंगी हो गईया, ओ यीशु जी तेरा पल्ला शुके चंगी हो गईया, यीशु जी तेरा पल्ला शुके चंगी हो गईया। कितने लोगों को इस गवाही की समझ आई और इस गवाही को समझने से किनका विश्वास बढ़ गया है कि सचमुच हमारा परमेश्वर सामर्थी है और जो काम मनुष्यों से नहीं वो किससे हो सकता है। बोलो, जो काम मनुष्यों से नहीं किससे हो सकता है, क्योंकि उससे सब कुछ हो सकता है। बोलो, क्या है जो इसे, उसे सब कुछ हो सकता है। आमेन। क्या नाम क्या है सिस्टर आपका? हाँ, सामने देखो, क्या नाम क्या है आपका? अमन पापा जी। अमन, हाँ जी। तो आप 6 साल से विश्वास करते थे? हाँ जी पापा जी। तो क्या एरिया, आपके एरिया का क्या नाम है? बच्ची वेंड। नहीं, गांव का नाम तो बच्ची वेंड है। अटारी। हाँ, अटारी साइड है। अटारी, ठीक है। हाँ जी। तो आप चर्च जो जाते थे वहीं पे अटारी, अटारी में गांव में कहाँ पे जाते थे वो चर्च? करे हाड़े चर्च। अच्छा, आपके घर में लगती है? हाँ जी, यही जगह देते हैं। अच्छा, आपने जगह दी है? हाँ जी। ठीक है, आपके घर में ही आते हैं पास्टर जी भी? हाँ जी। पर 6 साल से कितने, आपके घर में कितने साल हो गए संगति होते हुए? पापा जी वो पहले ही होंगे जब मेरा ब्याह होया सी। अच्छा, पहले से हो रही थी? हाँ जी। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ जी। और 6 साल से आप विश्वास कर रहे हो? हाँ जी। पर 6 साल से आपका मन वैसे नहीं प्रभु के साथ लगा। हाँ, जैसे लगना चाहिए, ना ही वचन की समझ आई। हाँ जी। जो आपने, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आते हुए? महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ, जो बातें 6 साल में आपको समझ नहीं आई, हाँ, यहाँ पे आकर 1 महीने में आपको समझ आई। और प्लस ये जो आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ, क्या क्या कहा था डॉक्टर ने बताओ मुझे, क्या बोल रहे थे डॉक्टर ने? कि अभी जरी ऑल है वो फट भी सकती है। ओ, वो ऑल फट भी सकती है। हाँ, जो जो यूट्रस, जो बच्चे दानी के मुंह के, वो ऑल है। हाँ, ना वो फट सकती है। उसके फटने की के कारण क्या हो सकता है? वो मैंने कहने से पे दाल हो जाते, मैं दाल नहीं हो, ये मैं अपने नहीं। अगर मान लो वो फटती तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? वो अंत पे दोनों खतरा है, बच्चे ने तो माँ को भी और बच्चे को भी। हाँ, खतरा है। ठीक है। और डॉक्टर ने आपको कहा कि आप एडमिट हो जाओ। हाँ, दाखिल हो जाओ। हाँ, आप दाखिल नहीं हुए, आप किसी प्राइवेट नर्स के से मिले, है ना? हाँ,
और उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने मैंने कहा भी 3 महीने दवाई खाओ तो 6 महीने बढ़ गए। कौन सी दवाई? देसी दवाई। देसी दवाई 3 महीने। वो दवाई कहाँ से अपने लिए देसी? नहीं, उन्हीं से ली के किसी और से? नहीं, और से ली। अच्छा, किसी और से ली। हाँ, उन्होंने सिर्फ बताया ही आपको? हाँ जी। फिर आप दवाई लेकर आप यहाँ पे आप माइक के आ गए आपने। हाँ जी। और आपकी भाभी ने बताया है ना, जब आप हाँ भी परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। हाँ, फिर आपने यहाँ पे आना शुरू किया। हाँ जी। ओके। और फिर आपने परमेश्वर के राज्य और उसकी सच्चाई को समझा। अपने यहाँ पे जो खुदामंद अपने बड़े कामों को प्रकट करता उन गवाहियों को समझा, आपका फेथ बढ़ा, विश्वास बढ़ा। और उसके बाद जैसे आप लगातार आए, फिर ले हैंड हुई और आपको विश्वास था कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर चुका है। मैंने एक चीज आपको बताई थी ना, जब अल्ट्रासाउंड होगा तो जरा सा भी शक मत करना है ना, कहा था ना मैंने। हाँ, अपने वैसा ही किया। जब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कर रहे तो कोई सोच तो नहीं आई मन में? नहीं पापा जी, कोई सोच नहीं आई। बंदगी वेंदी रही पापा जी। अच्छा। हाँ जी। जरा सा भी आपके मन में संदेह नहीं आया, शक नहीं आया? नहीं पापा जी। आप विश्वास किया कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी? हाँ, और वैसा ही हुआ। आज आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑल नहीं। हाँ, कोई कुछ नहीं है, पूरी तरह से आप क्या हो? फ्री हो? आप खुश हो? आप लोग कितने खुश हो जितने ऑनलाइन है? इस बड़े काम के लिए जो छोटा काम नहीं है, देखो देखो, इसको और इसके बच्चे को भी खतरा था, दोनों को खतरा था। और ये बड़ा काम किसने किया? और नर्स ने कहा ये देसी दवाई तो 3 महीने आपने खानी, कितनी? और ये काम खुदा पर विश्वास करके 1 महीने से भी पहले ये काम किसने कर दिया? बोलो, ये काम बड़ा किसने कर दिया? और वो सबके साथ करना चाहता है। तारीफ करो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। जोर से तेरा पल्ला छूके चंगी हो, जोर से दोनों हाथों को उठाकर तेरा पल्ला छूके चंगी हो गई। यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो गई, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला।